ओम हनुमते नमः। नमस्कार मित्रों, मैं अविरत त्रिवेदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नित्य। मित्रों, विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आजकल हम समुद्र मंथन पर चर्चा कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज बात करते हैं समुद्र मंथन से प्राप्त 14वें रत्न अर्थात अमृत कलश की। समुद्र मंथन का कार्य समाप्त हो चुका था। देव और दानव अपने अंतिम लक्ष्य अमृत को समुद्र से निकाल चुके थे। अब तक समुद्र मंथन से 14 रत्न प्राप्त हो चुके थे। पहला हलाहल विष, दूसरा 5 कामधेनु गायें, तीसरा उच्च सभा नाम का घोड़ा, चौथा इरावत व अन्य 64 हाथी, पांचवा कौस्तुभ मणि व अन्य रत्न, छठा कल्पवृक्ष, सातवां अप्सरा रम्भा व अन्य 6 अप्सराएं, आठवां अपने सभी रूपों में देवी महालक्ष्मी, नवा देवी वारुणी, दसवां महारत्न चंद्रमा, ग्यारहवां पारिजात नाम का वृक्ष, बारहवां शंख व अन्य समुद्री निधियाँ, तेरहवां भगवान धन्वंतर और चौदहवां भगवान धन्वंतर के हाथ में अमृत का कलश। अमृत कलश की प्राप्ति के साथ ही महान समुद्र मंथन का कार्य संपन्न हुआ। इंडोनेशिया के जावा आइलैंड में एक कंडी सुकुह नाम का मंदिर है। इस प्राचीन मंदिर में एक कलश पाया गया है जिसमें एक तरल पदार्थ है जो हजारों वर्ष बाद भी सूखा नहीं है। यहाँ के स्थानीय लोग इसको ही समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कलश मानते हैं। यह मंदिर समुद्र मंथन की कहानी पर ही आधारित है। फिलहाल इस अमृत कलश पर शोध कार्य जारी है और इंडोनेशिया की सरकार इस पर कोई भी टिप्पणी करने से बच रही है। समुद्र मंथन के अंत में अमृत का कलश निकला था। धन्वंतर देव के हाथ में ही अमृत कलश था। देवताओं और दैत्यों के बीच अमृत के बंटवारे को लेकर युद्ध प्रारंभ हो गया। इस युद्ध की समाप्ति हेतु भगवान विष्णु ने विश्वमोहिनी रूप धारण किया। अमृत का शाब्दिक अर्थ अमरता है। भारतीय ग्रंथों में यह अमृत प्रदान करने वाले रसायन के रूप में प्रयुक्त होता है। यह शब्द सबसे पहले ऋग्वेद में आया है जहाँ यह सोम के विभिन्न पर्यायों में से एक है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से यह यूनानी भाषा के अम्ब्रोसिया से संबंधित तथा समान अर्थ वाला शब्द है। मित्रों, हमारे वीडियोज आपको कैसे लग रहे हैं? अगर अच्छे लग रहे हैं तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।